यार आपसे गजब लग रहे हो यार, आप बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत सुंदर। पांक। क्या चाहिए? क्या चाहिए तेरे को बोल। ना ना, कसम से पापा, कसम से, गजब सुंदर लग रहे हो, अल्टीमेट लग रहे हो, अल्टीमेट। तो क्या मैं रोज बदसूरत लगता हूँ तेरे को? किस एंगल से बदसूरत लगता हूँ मैं? अरे नहीं नहीं पापा, आप तो हमेशा से ब्यूटीफुल लगते हो, ब्यूटीफुल नहीं, हैंडसम लगते हो, मेरा मतलब वही, आखिर पापा किसके हो? गौरवी के। ओह नो। क्या यार पापा, आप हमेशा दीदी को बीच में ले आते हो, मैं आपका बेटा नहीं हूँ क्या? क्योंकि वो लायक बेटी है, लायक IIM से MBA कर रही है, तेरी तरह नालायक नहीं जो पड़ा पड़ा दिन भर कटिया तोड़ता रहता है। यार पापा, आप भी तो बैठे बैठे सोफा तोड़ रहे हो, मैंने आपको कुछ कहा? क्या बोला? आऊं क्या? अरे नहीं नहीं मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आखिर लॉकडाउन की वजह से करे तो क्या करें, मैं पहले दिन भर रबड़ता रहता था, अब यहाँ पड़ा पड़ा खटिया तोड़ता रहता हूँ। ओह नो। आप सोफे पे बैठे रहते हो, कहने का मतलब आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हो, खाना खाते रहते हो, फोन पे लगे रहते हो, और वो वर्क एट होम भी तो करते हो। कितना काम करते हो मेरे महान पिताजी, आप महान पिताजी। अरे ठीक है ठीक है, अब मस्का वस्का मत लगा, ये बता कि काम क्या है तेरे को? क्या काम है? वो क्या है ना पिताजी, वो थोड़े से बस पैसे चाहिए थे, थोड़े से बस। कितने चाहिए बोल? ज्यादा नहीं चाहिए, बस 10,000। ओह नो। अरे 5,000 ही दे दो, बस 5,000। 1,000 से कम चला दूंगा, 1,000 ही दे दो। चलो छोड़ो यार, पता है आप कंजूस हो, अब 100 रुपए तो दे दो। पांच। वो भी नहीं, बस इससे ज्यादा काम नहीं, बस। अच्छा सुन, वो पैंट टंगरी है, उसकी पिछली जेब में 5 का सिक्का पड़ा है, ले जाओ रेस्ट कर, तू भी क्या याद करेगा। 5 रुपए इसमें क्या आता है? उससे 2 गुब्बारा आ जाएंगे, लॉकडाउन में उसी से खेल लियो। मेरी उम्र उन गुब्बारों से खेलने की है क्या? ओह नो। तो किन गुब्बारों से खेलेगा? अरे नहीं नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि उन गुब्बारों से मैं क्या करूंगा, मैं तो नमकीन ले आता हूँ जो आपके वो दारू के साथ चखने में भी काम में आ जाएगी। ठीक है जो मर्जी वो ले आना। अच्छा सुन, वो जो पैंट है उसकी चोर जेब से 100 का नोट भी निकाल लाना, मेरे को तेर से कुछ मंगवा ले। ओह नो। पापा यार एक चीज बताओ, ये फ्रंट पॉकेट सुना था, बैक पॉकेट भी सुना था, और साइड पॉकेट भी होती है, पर ये चोर जेब, ये थीफ पॉकेट क्या होती है? होती है वो पैंट के अंदर की तरफ होती है, देख मैं बताऊं, ये अंदर जाके होती है, यहाँ कहीं होती है, ये यहाँ यहाँ होती है। अरे छी छी छी, कैसे पापा आप पैंट के अंदर पैसे रखते हो? अरे राम 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 राम, रखना पड़ता है रखना पड़ता है, ये सब तेरे जैसे चोटों से छुपाने के लिए ही तो रखना पड़ता है। अच्छा सुन, वो 5 सिगरेट लिया ना 100 रुपए से। यार ये सिगरेट तो मुझे भी चाहिए थी, पर ये है ना लॉकडाउन की वजह से कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा। सिगरेट तुझे? क्या मतलब, और तुझे कैसे पता कि सिगरेट कहीं नहीं मिल रही? अरे नहीं पापा, वो क्या है कि वो आकाश के पापा ने मंगाई थी, पर वो लॉकडाउन की वजह से कहीं मिल नहीं रही है ना, तो इसलिए पता नहीं। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, सब मिल जाएगी, वो किराने वाली दुकान पे जाना, लेकिन वहां नहीं मिलेगी, उससे लेफ्ट में छोटी सी गली जा रही है, उस गली में घुस जाना, उसमें 3 दुकान छोड़ के 4th नंबर की दुकान पे 3 बार जब तू नॉक 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 करेगा ना, तो वहां तेरे को सिग्नल। ओह नो। अरे मर गया रे, अरे सालों ने मार डाला रे, अरे बाप रे। अरे क्या हुआ रे, ऐसे कैसे चल रहा है? अरे सिगरेट तो मिल गई थी पापा, पर वो जैसे ही 3 बार मैंने नॉक किया, पता नहीं साले कहां से इतने सारे पुलिस वाले आ गए, और 3 नॉक के बदले मेरे को 30 डंडे मारे पापा, 30 डंडे, वो भी गिर गिर के मारे, पूरी लाल करती रे, सुझाती पीछे से पूरी पापा। अच्छा तो तेरे साथ भी यही हुआ है? नो।
मेरे साथ भी? मतलब आपके साथ भी हो चुका है क्या? कल मेरे साथ भी यही हुआ था। साला अभी तक दुख रहा है। चिंता मत कर, सही हो जाएगा। अच्छा अब समझा मैं, तभी आप कल मुझसे बर्फ और एडेक्स मंगवा रहे थे। मालिश जो करनी होगी ना सुझे वे पे। चुप करना लायक। पर यार आपको पहले ही पता था तो पहले ही बता देते ना, आपकी तो सूझ गई थी, कम से कम मेरी तो बच जाती। अरे मैं कह तो भी नहीं तो तारे समझ को नहीं आती, तो सोचो तना रियल एक्सपोजर ही करवा दूं। वो कही है कि सुनी सुनाई बात ने तो आदमी भूल जावे छे, पर जब रियल एक्सपीरियंस हो जावे ना तो आदमी कतई ना बोले बाया, कतई ना बोले। अच्छा मेरी ना लाद हुई पड़ी है और आपको बड़ी एक्सपीरियंस की पड़ी है, सारे लेसन अभी पढ़वा दो मेरे को। अरे तो मैंने तेरे लिए पहले फ्रिज से बर्फ निकाल रखी है। बाप ना तो बेटे के दर्द का एहसास है मेरे को। पता है बड़ा ध्यान रखते हो आप। जाता हूँ। अरे कहाँ जा रहा है रे? बर्फ लेने और कहाँ जाऊंगा। ला पहली वो सिगरेट तो देता जा, फिर बाद में जा दे। अरे कौन सी सिगरेट है? अच्छा बेटा अपने बाप से ही होशियारी। अरे जो सिगरेट मैंने पैसे देके तेरे से मंगवाई थी उसकी बात कर रहा हूँ, ना निकाल निकाल उसको। अच्छा वो सिगरेट तो मैं ना पी गया। क्या पी गया? हाँ और क्या, जब डंडे का एक्सपीरियंस ले ही लिया था तो सोचा सिगरेट का भी ले लूं, इसलिए पी गया। पांचों की पी गया। अरे वो पहली सिगरेट जलाई तो पीना ही है, फिर दूसरी जला के धुआं छोड़ना सीखा, फिर तीसरी लेके कश को अंदर लेना सीखा, और चौथी सिगरेट आते आते मुझको मजा आने लग गया। तो पांचवी होते होते अपना एक्सपीरियंस होल्डर हो गया। एक्सपीरियंस नाले पुलिस वाले क्या सोचेंगे, मैं सोच जाता हूँ तेरी, इधर मैं सोच जाता हूँ, इधर काम भाग रहा। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, उससे मेरा हौसला बढ़ेगा। और हाँ नोटिफिकेशन वाली बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सही टाइम पे आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद जय भारत।